कंफर्टेबल होल्ड नहीं करेंगे जब तक आप उनकी इकोनॉमिक ब्लंडर्स को एक्सपोज नहीं करेंगे। वो बार बार ब्लंडर्स करेंगे और विद इम्प्यूनिटी ब्लंडर्स करेंगे। अगले चार महीने के बाद कोई नई ऐसी हुकूमत आ जाएगी जो एक नया तजर्बा शुरू कर देगी और आप लोगों के कारोबार को ठप कर देगी। इसलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हम डेटा के साथ इनकी इकोनॉमिक ब्लंडर्स को एक्सपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें जैसे कि सामने स्क्रीन नजर आ रही है उस तरह मुझे वाजे नजर आ रहा है कि ये जो मौजूदा इकोनॉमी की सूरत हाल है ये 100% अवॉइडेबल थी। जिस टाइम पे इस दुनिया में सुपर कमोडिटी साइकिल आ रहा था उस वक्त गैर जमहूरी तरीके से रिजीम चेंज किया गया पाकिस्तान में और इसकी मईशत को तबाह कर दिया गया। आज हम भूल जाएं कि जो पिछले 6 माह में हुआ था और अच्छी अच्छी बातें करें कि नहीं जी अब सारे मिलके अच्छे बच्चे बन जाएं और सारे मिलके इकॉनमी चलाएं। उनको समझ ही नहीं जब इकॉनमी की उनकी पॉलिसी मुख्तलिफ है हमसे इकॉनमी की। वो बिलीव करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, वो बिलीव करते हैं रूस से सस्ता तेल ना लेने में, वो बिलीव करते हैं महंगे महंगे बिजली घर लगाने में और सौदे करने में, वो बिलीव करते हैं कि लोकल इंडस्ट्री जो है उसको नहीं तरजीह देनी और उसको आगे नहीं लेके जाना, ना एक्सपोर्ट को आगे लेके जाना है। तो कौन सा मिलजुल के बैठना है? देखें, हमें इस वक्त एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर जाना पड़ेगा। जब तक आप डेटा के साथ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को, हमसे अगर कोई गलती होती थी हमें जवाब देना पड़ता था ना। अगर हमसे IMF में जाने में अगर गलती हुई तो देर जाने में तो हमें जवाब देना पड़ा ना उसका, हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हमने अगर कोई अच्छा किया उसका हमने क्रेडिट भी लिया। इसलिए जो अच्छा करे उसको उसका क्रेडिट दें, जो बुरा करे उसको उसका एहतसाब करें। अगर हम नहीं करेंगे हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम्स आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह यूज़र्प होती जाएंगी। और अभी भी वक्त है कि हम अपना किबला दुरुस्त कर लें और इस इकोनॉमी को रेस्क्यू और रिकवरी की तरफ लेके जाएं। मैं एक दो